पढ़ना है। क्या क्वेश्चन है? अ मास ऑफ 1 kg attached to one end of a string is first lifted with an acceleration of 4.9 meter per second square and then lowered with 4.9 meter per second square and then lowered with same acceleration. Find what is the ratio of tension in the string. What is the ratio of tension in the string? पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो बढ़िया, कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो आ रहा है क्या कुछ समझ में? देखो तो जरा, देखो क्या कहा है। हमारे पास एक 1 kg का मास है और इसको एक स्ट्रिंग के वन एंड के साथ अटैच किया है। इज फर्स्ट लिफ्टेड, इसको पहले क्या किया गया, ऊपर लिया लेकर गए विथ एसिलरेशन ऑफ 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। ठीक है, ऑब्वियसली इसको ऊपर लेकर जाना है तो इस स्ट्रिंग को ऊपर खींचेंगे, यहां पर टेंशन रहेगा। उसके बाद क्या किया गया, सो ये कंडीशन वन हो गई। उसके बाद कंडीशन टू में क्या किया गया, दिस बॉडी इज लोअर्ड। कहां लेकर गए इसको? नीचे लेकर गए विथ 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, सो आपको पूछा है, अब ऑब्वियसली इसको नीचे जा रहा है, क्या इस स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा क्या? अभी टेंशन रहेगा? यस सर, बिल्कुल रहेगा सर, क्योंकि अगर इसको छोड़ देते हम, इसमें टेंशन नहीं रहता और इसको छोड़ देते तो ये थी कितने एसिलरेशन से नीचे जाता? 10। कितने एसिलरेशन से नीचे जाता? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, प्लस माइनस तो ये डिपेंड करेगा आप कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव कर रहे हो। ये नीचे जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्या उसमें एक्सीलरेशन कम है? मतलब सर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स रहा तो
तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाता है। अब यहाँ पर एक्सीलरेशन कम है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई टेंशन T2 तो जरूर रहेगा, और ये पहले केस में रहेगा टेंशन T1। क्या सही है? अब देखो जरा इसको समझ लेते हैं, ये सब क्या झंझट हो रही है। क्या इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हम निकाल सकते हैं क्या? सर ये ब्लॉक है, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ब्लॉक पर? ऊपर के डायरेक्शन में T1, नीचे के डायरेक्शन में क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। 1 केजी का मास है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा m इंटू जी, दैट इज 9.8। क्या सही है? m yes, sir. 1 into 9.8। और अब ये T1 ज्यादा होने के कारण इसका एक्सीलरेशन हो रहा है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। सो क्या मैं केस 1 के लिए रिलेशन लिख सकता हूं क्या? क्या मैं केस 1 के लिए रिलेशन लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सर, हम रिलेशन लिख पाएंगे। नेट फोर्स कितना रहेगा? T1 माइनस 9.8। इसके कारण इस 1 केजी का एक्सीलरेशन हो रहा है विथ ए, ठीक है? क्या केस 2 के लिए भी ऐसी फ्री बॉडी डायग्राम निकाल सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखो इसके ऊपर नीचे फोर्स लग रहा है सेम 9.8, ऊपर फोर्स लग रहा है T2, और इसका एक्सीलरेशन नीचे हो रहा है, मतलब कौन सा फोर्स ज्यादा रहेगा? 9 ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे वाला। एग्जैक्टली, ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में ज्यादा रहेगा। अब आप लिखोगे 9.8 माइनस T2 इक्वल टू, इस एक्सीलरेशन की वैल्यू पता थी क्या हमें? कितनी है? 4.9। और यहां पर ये आ जाएगा 9.8 माइनस T2। देखो 9.8 में से T2 गया, जो बचा हुआ फोर्स रहेगा वो इस 1 केजी का 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे एक्सीलरेशन करेगा। बस दो रिलेशन है, अपना काम हो क्या? दोनों की आरएचएस सेम है तो क्या लिख सकते हैं हम? दोनों की आरएचएस सेम है ना, 4.9 T1 माइनस 9.8 इक्वल टू 9.8। T1 इक्वल टू ये 9.8 राइट में चले गए तो 4.9 प्लस 9.8 मतलब कितना हो जाएगा? 14.7। T2 राइट में गए, 4.9 इधर आ गए, 4. T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4.9 न्यूटन। आपको क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग? तो रेशियो आ जाएगा T1 अपॉन T2 इक्वल टू 14.7 अपॉन 4.9 इक्वल टू 3:1। क्या सही है? यस सर, एकदम बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं, देखो अपने पास कोई एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर 3 ब्लॉक्स रखे हैं, ये मैंने फोर्स लगाया, दिस इज मास ऑफ 1 केजी, दिस इज 5 केजी एंड दिस इज 10 केजी। ये फोर्स है 80 न्यूटन का,
ठीक है, आपको कहा है फाइंड टेंशंस टी वन टी टू इन द स्ट्रिंग्स, क्या निकाल पाएंगे क्या? टी वन टी टू टेंशन्स निकाल लो. तो मुझे बोलो क्या स्ट्रिंग के रिलेटेड कोई चीज हमें पता है? क्या पता होता है हमें स्ट्रिंग के रिलेटेड? बताओ स्ट्रिंग के रिलेटेड क्या पता है हमें? क्या स्ट्रिंग ये इनएक्सटेंसिबल होती है? क्या स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल? सर इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एक्सटेंड होती है क्या? उसकी लेंथ कम ज्यादा होती है क्या? स्ट्रिंग की लेंथ कम ज्यादा होती है क्या जिस स्ट्रिंग को हम कंसीडर कर रहे हैं उसकी? होती है? नो सर, नहीं होती है. स्ट्रिंग की लेंथ इस प्रकार से एक्सटेंड नहीं होती है. मतलब क्या? मतलब जितना ब्लॉक वन आगे जाएगा उतना ही टू आगे जाएगा, उतना ही थ्री आगे जाएगा. क्या इसका मतलब इन तीनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन सेम रहेगा क्या? कल का रेलवे के डब्बे वाला एग्जांपल, जो इंजन की स्पीड रहेगी वही आखिरी वाले गार्ड के डब्बे की स्पीड रहेगी. ठीक है, मतलब जो पहले इंजन का एक्सीलरेशन रहेगा वही आखिरी डिब्बे का एक्सीलरेशन रहेगा. सो एक्सीलरेशन इज सेम फॉर ऑल. सो अब देखो, अब हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं. दिस इज डब्बा थ्री, डब्बा टू, डब्बा वन. यहां पर हम और एक चीज एज्यूम कर रहे हैं. कौन सी? फ्रिक्शन के बारे में कुछ कहा है? कुछ भी नहीं कहा है. ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, ना काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ कहा है, कुछ भी नहीं कहा है. सो हमारा सरफेस ये स्मूथ है ऐसा हम एज्यूम करेंगे. क्या सही है? यस सर. ओके, अगर ऐसा है तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बन जाएगी. ये फोर्स है 80 न्यूटन का. इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन हो रहा है ए, इसका मास है 1 केजी. ये फोर्स रहेगा टी वन. ये टी वन है तो इस पूरे स्ट्रिंग में टी वन रहेगा. यहां पर भी T1 फोर्स रहेगा. इसका एक्सीलरेशन है A, इसका मास है 5 kg और ये टेंशन है T2. और ये टेंशन है T2, इसका मास है 10 kg
और इसका भी एक्सीलरेशन रहेगा ए। क्या सही है? इज इट क्लियर? सो चलो अब तीनों के लिए रिलेशन लिखते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा? T2 ये नेट फोर्स है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सो 10A। यहां पर नेट फोर्स एक्सीलरेशन राइट साइड में है, मतलब T1 बड़ा रहेगा। T1 माइनस T2 इक्वल टू कितना आएगा? मास इनटू एक्सीलरेशन 5A। और यहां पर 80 न्यूटन ये नेट फोर्स रहेगा, 80 न्यूटन माइनस T1 ये नेट फोर्स रहेगा और ये एक्सीलरेशन आ जाएगा A। क्या सही है? Yes, sir. ये T2 की वैल्यू यहां पर पुट कर दी तो T1 कितना आ जाएगा देखो, 15A। T2 राइट में गया, राइट, तो ये आ जाएगा T1 इक्वल टू 15A। क्या यहां पर वैल्यू पुट कर दू? 80 इक्वल टू T1 राइट में चले गए पॉजिटिव, 15A प्लस A 16A हो गए, देयरफोर A की वैल्यू कितनी आ गई? 5। सो T1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 15। क्या सही है? सर ये क्वेश्चंस इतने आसान होते हैं? बिल्कुल, अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम सही से निकाली तो ये क्वेश्चन इतने ही आसान होते हैं। क्या सही है? चलो बिल्कुल, एक ऐसा और एक क्वेश्चन देता हूं, देखो उसे सॉल्व करके। सर हाँ, जो 80 न्यूटन फोर्स है तो तीनों बॉडीज पर इक्वली लगता है क्या? 80 न्यूटन कोणत्या बॉडीवर लागतो है? पहिल्या। दुसऱ्या बॉडीवर किती फोर्स लागतो है? T1 75 न्यूटन। तिसरे बॉडी पर कितना लग रहा है? T2 50 न्यूटन। क्या ये इक्वली लग रहा है? क्या नहीं लगेगा? कोई जरूरत नहीं है इक्वली लगने की। इक्वल क्या है? इक्वल इन सबका एक्सीलरेशन है। देखो आप रेलवे को इमेजिन करने की कोशिश करो, और दूसरा अगर आपको इमेजिन ही करना है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड टग ऑफ वॉर। क्या टग ऑफ वॉर खेला है कभी? यस सर। जो सामने वाला, ये अपना सामने वाला प्लेयर रहता है, सबसे ज्यादा फोर्स किसके ऊपर लगता है? सबसे ज्यादा फोर्स इसके ऊपर लगता है क्योंकि इसको तीनों भी खींच रहे हैं। देखो ये क्या करता है, ये सिर्फ इसको खींचता है। ये दूसरा प्लेयर क्या करता है? ये दूसरा, पहला तो इसको खींच ही रहा है पर ये खुद की ताकत लगाता है और ये तीसरे को खींचता है। फिर पहला, दूसरा और तीसरा, ये पहले दोनों की ताकत तीसरे पर लगी ही है, तीसरा और खुद की ताकत लगाता है और चौथे को खींचता है। क्या सही है? सो अगर हमने कहा कि ये इधर पीछे खींच रहे हैं तो सबसे ज्यादा फोर्स, अब यहां पर सिर्फ डिफरेंस ऐसा है कि ये सब फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से क्या सबके ऊपर इक्वल फोर्स लगता है? क्या नहीं, कम ज्यादा फोर्स लगता है, ठीक है, कम ज्यादा फोर्स लगता है। सो ये आखिरी जो है उसके ऊपर सबसे कम फोर्स रहेगा, ये दूसरा जो है इसके ऊपर ज्यादा, तीसरे के ऊपर और ज्यादा, चौथे के ऊपर तो सबसे ज्यादा, ठीक है। सो यहां पर इक्वल फोर्सेस होते हैं क्या सबके ऊपर? नहीं,
वैसे ही हमारे केस में सबके ऊपर इक्वल फोर्सेस नहीं रहेंगे। और कुछ किसी को पूछना है? देखो एक और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो सॉल्व करके देखो। So, देखो ये तीन बॉडीज है, यहाँ पर 36 न्यूटन फोर्स है, आपको कहा है एसिलरेशन एंड टेंशन निकाल लो। निकाल लो एसिलरेशन एंड टेंशन। माया के आंसर सर एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड सर। क्या हुआ? एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और T2 आया 1 न्यूटन, T1 आया 9 न्यूटन। क्या सही है? देखो आप ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल आपने जैसे नॉर्मली किया होगा, इनकी फ्री बॉडी डायग्राम निकाल ली, ये T2 फोर्स है, यहाँ पर एसिलरेशन ए है, ये 1 kg, 8 kg और ये 27 kg। दिस इज 36 न्यूटन और ये हमारा T1 है, ये T1 है, अपोजिट डायरेक्शन में T2 है, एसिलरेशन सबका ए है। ये पहला रिलेशन आ जाएगा T2 इक्वल टू ए, T1 माइनस T2 इक्वल टू 8A एंड 36 माइनस T इक्वल टू 27A। क्या सही है? T2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, T1 आ गया 9A, वो यहाँ पर पुट कर दिया, 36 इक्वल टू 9A राइट में चले गए, 36A, A की वैल्यू आ गई 1, इसलिए T1 की वैल्यू आ गई 9 और इसलिए T2 की वैल्यू आ गई 1। क्या मैं ऐसा कहूं क्या सर, ये जो 36 न्यूटन का फोर्स है, क्या ये पूरे सिस्टम का एसिलरेशन कर रहा है क्या? ये 36 न्यूटन का फोर्स क्या ये पूरे सिस्टम का एसिलरेशन कर रहा है क्या?
अरे हाँ सर, सो क्या मैं ऐसा कहूँ, दिस 36 इक्वल टू 27 प्लस 8 प्लस 1 9, ये 36 हो गए, पूरे सिस्टम का मास 36 हो गया, सिस्टम का एक्सीलरेशन है a की वैल्यू आ गई 1. इज इट क्लियर? अरे हाय ना, हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. चलो अब और एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब और थोड़ा सा फील आएगा. क्या अभी थोड़ा थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम ध्यान में आ रही है? यस सर. हाँ देखो, द एपरेंट वेट ऑफ A man in lift is W1 when lift moves upward. With some acceleration. And is W2 when it is accelerating downward? Find the weight of man and acceleration of lift. In terms of W1 and W2, ये तो मैंने आपको लिखा. देखो बहुत बार ना आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, सर कौन सी चीज ऑब्जर्व करोगे, इस प्रकार के ना वेरिएबल वाले, मतलब एक्स वाई डब्ल्यू वगैरह ऐसे क्वेश्चन ना काफी पूछे जाते हैं अपने को, ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं. ठीक है, तो बस बढ़िया है, जरा देखते हैं इसे सॉल्व करके कुछ जमता है क्या हमें. द एपरेंट वेट ऑफ मैन इन लिफ्ट इज W1. अब ये एपरेंट और रियल क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज दिस एपरेंट एंड रियल? ओके, कभी आपने स्कूल बैग लेकर जंप मारी है क्या? यस सर. ओके, तो वो स्कूल बैग का वेट हवा में ज्यादा लगता है या जब जमीन को टच करते हैं तब ज्यादा लगता है? झटका कब पड़ता है? जमीन, जब जमीन को टच करते हैं तब. हवा में क्यों नहीं लगता? सब पोजीशन रियल नास्ते मणु. और रियल नहीं क्यों, उसमें क्या आप जंप करते हो तब आप इमेजिनरी होते हो क्या, या वर्चुअल होते हो? सो देखो, किसी भी चीज का वेट टफ फील होता है जब आपको उसकी रिएक्शन देनी पड़ती है. जब आप हवा में से जंप मारते हो तब क्या होता है, आपका एक्सीलरेशन और बैक का एक्सीलरेशन सेम होता है. आपका एक्सीलरेशन और बैक का एक्सीलरेशन सेम होता है, और ऐसे होने के कारण, ठीक है, ऐसा होने के कारण आपको हवा में बैक का वेट फील नहीं होता है.
जैसे ही आप जमीन पर आते हो अर्थ आपको रिएक्शन देती है, इसके कारण आपको आपका वेट फील होता है और वो बैग के नीचे जाने की इच्छा रहती है, बैग नीचे नहीं जा पाती है इसलिए आपको उसका जर्क लगता है। होता है क्या ऐसा? हवा में ऐसी रिएक्शन होती है क्या? नहीं, क्योंकि हवा में आप रिएक्शन ही नहीं दे पाते, जितने स्पीड से बैग नीचे आ रही है उतने ही स्पीड से आप नीचे आते हो। जब जमीन पर पहुंच जाते हो तो आपकी मोशन रुक जाती है, बैग नीचे आते रहती है और उसे रोकने के लिए आपके शोल्डर्स पर रिएक्शन आती है। क्या आया क्या ध्यान में? सो बैग का वेट जो फील हो रहा है इट इज एक्चुअली रिएक्शन गिवन बाय योर बॉडी। इसलिए अगर आपने देखा होगा जब आप लिफ्ट में बैठते हो और लिफ्ट ऊपर जाना शुरू होती है तब आपको थोड़ा सा भारी लगता है, और जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आना शुरू करती है तो आपको एकदम से हल्का लगता है पेट में। होता है क्या? और वही लिफ्ट फिर रुकने लगती है तो आपको फिर से थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है। कभी लिफ्ट में बैठोगे खड़े रहोगे तो ये फील करना, जब लिफ्ट स्टार्ट करती है तब आपको थोड़ा भारी लगता है और फिर जब वो रुकती है तब फिर से एक बार आपको हल्का लगेगा। जब वो ऊपर से नीचे आती है तो शुरुआत में आपको हल्का लगेगा और लिफ्ट जब रुक रही है तब आपको फिर से भारीपन महसूस होगा। और उसमें भी ये लिफ्ट अगर पुराने समय की है तो फिर तो ये फील जरा ज्यादा डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो चलो इसको जरा समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सो देखो ऑब्वियसली लिफ्ट को अगर ऊपर जाना है तो यहां पर टेंशन रहेगा T1। क्या सही है? सही है क्या? और ये जो मैन है इसका वेट अगर M है तो देखो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स mg तो लग ही रहा है, पर देखो अब ये लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो क्या ये प्लेटफॉर्म भी ऊपर जाएगा क्या? क्या प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा? बिल्कुल सर, प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा। प्लेटफॉर्म ऊपर जाने के लिए, प्लेटफॉर्म ने ऊपर जाने के लिए ये टेंशन T1 काम कर रहा है। सो देखो ये प्लेटफॉर्म इस आदमी के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, सो आदमी भी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नीचे लगाएगा जो रहेगी उसका मास इनटू इसका एक्सीलरेशन ए। क्या सही है? देखो क्या कह रहे हैं हम, ये आदमी इस प्लेटफॉर्म इस लिफ्ट में खड़ा है, लिफ्ट का ऊपर एक्सीलरेशन है ए। सो अब क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म भी ऊपर जाएगा, ये प्लेटफॉर्म भी आदमी के ऊपर फोर्स लगाएगा एम इंटू ए। सो आदमी भी नीचे फोर्स लगाएगा एम इंटू ए। इसलिए ये जो वेइंग बैलेंस है इसके ऊपर देखो नीचे लगने वाले दो फोर्स हो गए एम जी और एम ए, और इसलिए ये वेइंग बैलेंस जो इसका वेट रीड करेगा W1 ये रहेगा MA प्लस MG। सो इस वक्त इसको भारी लगता है। ठीक है, अब देखो जब ये नीचे आ रहा है तो क्या होगा, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, और ये आदमी बैठा है यहाँ पर। अब देखो इसका वेट mg है बट अब ये प्लेटफॉर्म खुद नीचे जा रहा है। ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म खुद नीचे जाने के कारण ये प्लेटफॉर्म कुछ रिएक्शन लगा पाएगा क्या इस आदमी के ऊपर? नहीं सर, ये प्लेटफॉर्म तो खुद नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या, ये mg जो फोर्स है ना इसमें से ma फोर्स इसे नीचे लेकर जा रहा है प्लेटफॉर्म को, और इसलिए इस आदमी के ऊपर लगने वाली रिएक्शन कितनी रहेगी,
ये आदमी के ऊपर लगने वाली रिएक्शन रहेगी एम जी माइनस ए, ये इसका वेट, मतलब हमने एक्चुअली इसके ऊपर लगने वाला फोर्स निकालना चाहिए, इस प्रकार से दिखाना चाहिए एम जी और एम ए, और यहां पर इस आदमी के ऊपर लगने वाला फोर्स रहेगा एम जी माइनस ए। क्या सही है क्या? सॉरी, हाँ ये दोनों एम जी लिखे। और यहां पर सो यहां पर जो नेट फोर्स हो जाएगा, इसका नेट वेट हो जाएगा mg माइनस ma। क्या सही है? क्या सही है क्या? और इसलिए ये जो एपरेंट वेट है, देखो ना यहां पर आप फील करते हो जब ये लिफ्ट नीचे जाती है तब आपको हल्का लगता है mg माइनस ए या mg माइनस ma, ऐसा मुझे लिखना पड़ेगा mg माइनस ma, ये नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। दोनों का कॉमन लिखता हूं, नेट डाउनवर्ड इधर रहेगा एम जी माइनस एम ए और इधर रहेगा एम जी प्लस एम ए। ये आदमी ने दी हुई रिएक्शन है, आदमी और प्लेटफॉर्म के बीच की रिएक्शन एम ए रहेगी। यहां पर प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा है तो आदमी और प्लेटफॉर्म के ऊपर की रिएक्शन आपको एम ए कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है? और इसकी वैल्यू आपको दी है, अब एम जी माइनस एम ए ये क्या है W2, एम जी प्लस एम ए ये वैल्यू कितनी है W1। सो आपको निकालना है, क्या निकालना है, वेट ऑफ मैन, आदमी का वेट कितना रहेगा। इज एम जी, सो एम जी की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या, देखो। और एसिलरेशन ए, देखो दूसरे पेज पर करता हूं, पहली केस है डब्ल्यू वन आ गई हमारी एम जी प्लस एम ए, और दूसरी केस है W2 is mg minus ma। इसको ही आप लिखोगे m कॉमन निकाल लिया g plus a, यहां पर आप लिखोगे m कॉमन निकाल लिया g minus a। therefore W1 upon W2 अगर हम करेंगे या दोनों के एडिशन करते हैं, पहले आपको W1 plus W2 प्लस एम ए माइनस एम ए कैंसल, ये टू टाइम्स एम जी आ जाएगा, दैट इज टू टाइम्स वेट ऑफ मैन, देयरफॉर वेट ऑफ मैन विल बी डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू अपॉन टू। एसिलरेशन निकालना है, अब एसिलरेशन के लिए इनको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, देखो डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू आ जाएगा एम जी प्लस एम ए माइनस एम जी प्लस एम ए। क्या सही है? देयरफोर ये आ जाएगा ए इक्वल टू डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू अपॉन एम, और एम की वैल्यू आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे एम की वैल्यू, देखो यहां से एम की वैल्यू ये टू जी नीचे चले गए, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू अपॉन टू जी, दैट इज एसिलरेशन इक्वल टू, सही लिखा है क्या?
टू जी ऊपर चले गए, ओ सॉरी ये टू टाइम्स रहेगा ना, एम ए प्लस एम ए टू टाइम्स एम ए, सो ये टू यहां पर नीचे रहेंगे टू एम ए, सो इसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू टू कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, G ऊपर चले गए, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर चली गई, सो एसिलरेशन आ जाएगा W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 इनटू G। देखो एक बार इस क्वेश्चन को पूरा समझ लेते हैं, देखो आदमी का वेट मतलब क्या रहेगा, सो आदमी के ऊपर लगने वाली रिएक्शन, ठीक है, सो mg उसका वेट है, तो एडिशनल उसके ऊपर लगने वाली रिएक्शन भी mg इतने रहेगी नॉर्मल केस में, मतलब ये वाली केस है अपनी, ये mg उसके ऊपर लगने वाला फोर्स, इतनी ही रिएक्शन उसके ऊपर लगेगी, सो आप कहोगे यहां पर ये रिएक्शन विल बी mg और वो इसका वेट रहेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये mg तो है ही, बट दिस प्लेटफॉर्म इज मूविंग अपवर्ड, प्लेटफॉर्म ऊपर मूव करेगा तो प्लेटफॉर्म आदमी के ऊपर फोर्स लगाएगा, सो आदमी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, और इसलिए यहां पर mg प्लस ma इतना उसका वेट रहेगा। शॉर्ट में कुछ जगह पर आप ऐसा पढ़ोगे, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड नेट एसिलरेशन विल बी g प्लस a, ये वेट निकालने के लिए आप g प्लस a कंसीडर करते हो। अब ये प्लेटफॉर्म जब नीचे जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसका वेट mg है पर प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म नीचे जाने के कारण क्या हुआ, आदमी के ऊपर लगने वाली रिएक्शन कम हो गई, आदमी के ऊपर लगने वाली रिएक्शन कम हो गई कितने वैल्यू से, सो जितना इसका एसिलरेशन है उतने वैल्यू से, सो इस केस में जो नेट फोर्स रहेगा वो कितना रहेगा, mg माइनस ma, और इसलिए आपने लिखा जब ये लिफ्ट नीचे जा रही है, प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा है, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स mg माइनस ma इतना रहेगा और उसका वेट रहेगा mg माइनस ma, क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है, बस ये दोनों वैल्यूज आ गई ना, तो आपने लिखा w1 इज mg प्लस ma, w2 इज mg माइनस ma, ठीक है। अब यहां से दोनों को ऐड कर दिया, W1 प्लस W2 प्लस MA माइनस MA कैंसल, 2MG इक्वल टू MG मतलब ही W है उसका वेट, सो 2 टाइम्स ऑफ W, सो उसका वेट आ गया W1 प्लस W2 अपॉन 2। एसिलरेशन निकालने के लिए MG माइनस करना पड़ेगा, तो इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, MG प्लस MA, ये माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस MA आ गया, एक्सक्यूज मी प्लस mg माइनस mg कैंसल, ये टू टाइम्स ma आ गया, तो फिर आपने कहा टू टाइम्स ma इक्वल टू w माइनस w2, तो a हो गया w माइनस w2 अपॉन 2m, और m की वैल्यू फिर यहां से आपने निकाल कर पुट कर दी, फाइनल आंसर आ गया a इक्वल टू w1 माइनस w2 अपॉन w1 प्लस w2, क्या सही है? तो जैसे कहा आप ऐसे प्रॉब्लम में डायरेक्ट ट्रिक करके यूज कर सकते हो, अगर इस प्रकार की लिफ्ट है इफ एक लिफ्ट नीचे जा रही है एक लिफ्ट ऊपर आ रही है विथ एसिलरेशन ए और इस लिफ्ट का टोटल मास है m, तो आप यहाँ का टेंशन t2, इस टेंशन को दो काम करने हैं, कौन से दो काम, इसका वेट भी बैलेंस करना है
प्लस एक्सीलरेशन करना है तो इसलिए कहोगे एम जी प्लस एम ए। और यहाँ का टेंशन टी वन, यहाँ पर देखो एम जी बड़ा रहेगा, इसका वेट एम जी ये बड़ा रहेगा, सो टेंशन को क्या करना है, सो एम जी माइनस एम ए इतना फोर्स लगाना है। सर कैसे लिखा, देखो नेट फोर्स एम जी माइनस टी वन रहेगा इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब एम जी बड़ा है और ये इस मास का एम ए इतना एक्सीलरेशन करना है। सो देखो टी वन की वैल्यू आ जाएगी, टी वन राइट में गया पॉजिटिव हो गया, ये एम ए इधर आ गया, एम जी माइनस एम ए, ये ऊपर लिखा है। अब यहां पर देखो ऊपर जा रहा है मतलब टी टू इज लार्जर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, सो टी टू की वैल्यू आ जाएगी एम जी प्लस एम ए। सो आप शॉर्ट में डायरेक्ट इसे यूज कर सकते हो, इफ अ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड सो टेंशन रहता है एम जी माइनस एम ए, एंड इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड सो टेंशन ज्यादा रहेगा एम जी प्लस एम ए। ठीक है, सो विद दिस वी विल स्टॉप टुडे। कल हम एक टिपिकल केस, हाँ बोलो एक मिनट, कल हम एक टिपिकल केस डिस्कस करेंगे विच विल बी अबाउट पुली वाली केस। ठीक है, कल की क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है।